हेलो, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। और आज मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स, इस वीडियो का सजेशन आया है ह्यूमन फैक्ट की तरफ से। ये जिस पे हम रिएक्शन देंगे उस वीडियो का नाम है वो मेरा गांडीव धारी था, यानी बेसिकली अर्जुन के ऊपर पोइट्री है। ओ, उस पे हम रिएक्शन देंगे आज। अर्जुन पॉइंट्री पे रिएक्शन हम देंगे। और ये जिस चैनल का वीडियो है उस चैनल का नाम है दीपांकर भारद्वाज पोइट्री। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी फ्रेंड। ओरिजिनल वीडियो को देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा चैनल देखो। और क्या करना है? सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट्स भी करना है। हाँ, कमेंट्स तो करना ही करना है। तो आइए पहले हम देख लेते हैं ये अर्जुन पे वीडियो, उसके बाद हम बात करते हैं। 1 2 3 सॉरी, एड आ गया। 1 2 3 स्टार्ट। कथा सुनाता हूँ उस वीर की, शत्रु जिसके बाणों से कर रहते थे केवल कृष्ण की ना बात करो, स्वयं शिव उसे सराहते थे। करुणा से भरा हृदय था जिसका, न तनिक भी मन में स्वार्थ था, तीनों लोक में प्रशंसा पाने वाला मेरे माधव का वो पार्थ था। माधव का वो पार्थ पराजित जिनसे, 3 करोड़ निवात कवचों पर अकेला ही वो भारी था। अरे शिव को अपने धनुष से खींचने वाला वो मेरा गांडीव धारी था, वो मेरा गांडीव धारी था। योद्धा तो थे श्रेष्ठ बहुत, पर मैं क्यों अर्जुन अर्जुन गाता हूँ, महाभारत के उस महासमर से 14वें दिन का वृतांत सुनाता हूँ। अभिमन्यु अच्छा। की निर्मम हत्या से अर्जुन की भीषण हुंकार हुई, सूर्यास्त कल का नहीं देखेगा जयद्रथ, गांडीव की भयंकर टंकार हुई। अर्जुन की प्रतिज्ञा से धरती उस दिन कांप गई, और रणभूमि में होने वाले तांडव को कुरु सेना थी भांप गई। रुद्र तांडव जैसा उस दिन युद्ध बड़ा ही क्रूर था, और श्रेष्ठ होने का उस दिन कईयों का वहम भी दूर था। कौरव योद्धा लगे विचारने कैसा भयंकर क्षण होगा, जब अर्जुन उतरेगा रणभूमि में जीवन नहीं मरण होगा। अब सुनो कैसा भीषण रक्तपात हुआ, अगले दिन जब शंखनाद हुआ कुरुओं के भाग्य थे फूट पड़े, और अर्जुन सात्यकी उन पर टूट पड़े। घोर गर्जना करता अर्जुन, भयभीत सृष्टि का खंड खंड था, कुरु योद्धाओं में हाहाकार मची थी, वेग पार्थ का ऐसा प्रचंड था। धर्मराज की रक्षा हेतु सात्यकी को पड़ा वापस जाना था, पार्थ के उस रौद्र रूप से मुश्किल जयद्रथ का बच पाना था। सभी व्यूह ध्वस्त होते जाते थे, पंच तत्व भी जयगान अर्जुन का गाते थे, चक्र सप्त सूची व्यूह भी असफल से हो जाते हैं, जब क्रुद्ध होकर नर नारायण युद्ध भूमि में आते हैं। जब दोपहर के युद्ध के कारण अश्व नहीं चल पाए थे, तब सभ्यसाची युद्ध को करने उतर धरा पर आए थे, रथ विहीन पार्थ देखकर हर महारथी उससे लड़ने आया था, बिना रथ के भी उस दिन कोई न पार्थ को जीत पाया था, सभी एक साथ मिलकर भी ना धनंजय को जीत पाए थे। यूं ही नहीं शांति सभा में परशुराम ने जयगान अर्जुन के गाए थे, अरे रथ विहीन होकर भी पार्थ सभी महारथियों पर भारी था, अरे गौर से सुन लो कथा ये बंधु, कैसा मेरा गांडीवधारी था, कैसा मेरा गांडीवधारी था। अब आगे का वृतांत सुनाता हूँ, जब दुर्योधन पार्थ समक्ष आया था, गुरु द्रोण ने रक्षा हेतु ब्रह्म कवच पहनाया था, फिर अब अर्जुन अपने अग्रज से बोले, व्यर्थ में ही आज प्राण अपने गवाओगे, ये द्यूत नहीं है समरांगण है, मेरे हाथों मारे जाओगे। ब्रह्म कवच जैसे संकट को जिष्णु ने फिर टाला था, अपने तीव्र बाणों से उसने खुद के अग्रज को बींध डाला था, फिर दुर्योधन संग अश्वत्थामा वृषसेन शल्य और भूरी श्रवा आए, पार्थ संग युद्ध करने हेतु कृपाचार्य और कर्ण लाए, सभी मिलकर भी ना जीत सके फाल्गुन को, फिर दुःशासन और सिंधु राज जुड़े, पर गांडीव का प्रचंड वेग देखकर हर योद्धा के थे होश उड़े, हर योद्धा के थे होश उड़े। सबने मिलकर कुछ हद तक किया कृष्ण अर्जुन को घायल था, अरे सम्रांगण नहीं सृष्टि का कण कण उस दिन मेरे पार्थ का ही तो कायल था, मेरे पार्थ का उस दिन कायल था। अंगराज को जब रथ विहीन किया तो अश्वत्थामा को आना पड़ा,
परास्त होकर जिष्णु से अंगराज को अश्वत्थामा संग रणभूमि से जाना पड़ा। सूर्य ढलने को आया था पर पार्थ का शौर्य अभी भी जारी था। अरे आठ महारथी जिससे डर कर भागे वो मेरा गांडीवधारी था, वो मेरा गांडीवधारी था। अर्जुन गिराने लगे जो शीश सिंधु राज का, माधव बोले पार्थ तनिक विचार करो, व्यर्थ अपना बलिदान देकर ना पांडव सेना को लाचार करो। जो धरा पर गिरा शीश सिंधु राज का अनर्थ प्रचंड हो जाएगा, वृद्ध क्षत्र के वरदान के कारण तुम्हारा मस्तक खंड खंड हो जाएगा। तब विभत्सु ने क्रोध में आकर समस्त रण क्षेत्र को हिला दिया और जयद्रथ का शीश उन्होंने पिता वृद्ध क्षत्र की गोद में था गिरा दिया। अब पूछता हूँ उन योद्धाओं से जिन्होंने खुद को पार्थ से श्रेष्ठ बताया था, क्यों अर्जुन के भय के कारण तुमने सिंधु राज को छुपाया था। अरे श्रेष्ठ होते तो जाकर सीधे पार्थ की छाती पर तन जाते तुम, योद्धाओं की भांति युद्ध को करते ना सिंधु राज को छुपाते तुम। अरे धर्म की खातिर लड़ा सदा ही ना श्रेष्ठ कभी खुद को बताता था, युद्ध कौशल को देख स्वयं इंद्र जिसके आगे नतमस्तक हो जाता था। हर धर्म परायण व्यक्ति जिसका सदा ही आभारी था, अरे योद्धाओं में सबसे उच्च वो मेरा गांडीवधारी था, वो मेरा गांडीवधारी था। हाँ फ्रेंड्स, तो ये जो पोइंट्री थी वो अर्जुन पे थी और इसका सजेशन आया था ह्यूमन फैक्ट की तरफ से। मैंने कर्ण पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और बेसिकली मैं बोली भी हूँ कि मैं कर्ण को फॉलो करती हूँ और मेरे को कर्ण को बहुत पसंद है। तो उसमें ये कमेंट्स आया था कि आप अर्जुन पे भी रिएक्शन दो फ्रेंड्स, तो मैं अर्जुन पे भी मैंने रिएक्शन दिया और अर्जुन की पोइट्री भी सुनी, बहुत अच्छी थी। और मैं एक बात बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स के मैंने करीबन 4 वीडियो अर्जुन कर्ण के बनाए हैं, अर्जुन का ये फर्स्ट है, फर्स्ट पे मैं रिएक्शन दे रही हूँ। तो मैंने कर्ण के जो 4-5 वीडियो बनाए हैं उसमें मैंने कभी ये नहीं कहा कि अर्जुन गलत थे, मैंने ये कहा कि कर्ण सही थे, वो भी मैंने नहीं कहा है। कर्ण जो थे वो मैंने हमेशा ये लास्ट वीडियो के लास्ट में ये हमेशा मेंशन किया है कि कर्ण अधर्म के साथ खड़े थे और वो इतिहास गवाह है फ्रेंड्स। हमारे शास्त्रों अमर हमारे शास्त्र है जिसमें ये बात है। तो कर्ण अधर्म के साथ खड़े थे वो बात मैंने हमेशा कही है, लेकिन कर्ण में जो खूबियाँ है उसको हम फॉलो करते हैं। इस कलयुग में ऐसी खूबियाँ जो है वो मिलना नामुमकिन है, तो वो जो खूबियाँ है उसको हम फॉलो करते हैं और उसको हम मानते हैं। दूसरी बात रही अर्जुन की, तो अर्जुन को हमने कभी भी मैंने कभी नहीं कहा फ्रेंड्स के वो गलत थे या अर्जुन कर्ण सही थे। अर्जुन को मैं एक बात बोलना चाहूँगी आपको फ्रेंड के अर्जुन कभी गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कर्ण को मैंने बोला है कि मैं फॉलो करती हूँ और कर्ण मेरे को पसंद है, तो मैं अर्जुन के बारे में भी एक बात बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स के आप मेरा अगर वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे तो आपको स्टार्टिंग में ही जय श्री कृष्ण सुनने को मेरे मुंह से मिलेगा फ्रेंड्स। और हम वो लोग हैं जो हर बात शुरू करने से पहले फर्स्ट जय श्री कृष्ण से हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स, तो उस कृष्ण भगवान का नाम हमारे मुंह में सबसे पहले आता है जो कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ खड़े थे फ्रेंड्स। तो उस अर्जुन को हम कभी नहीं बोल सकते कि वो गलत थे और उसको हम कभी ये भी नहीं बोल सकते वो तो योद्धा थे ही फ्रेंड्स। हम उसको मतलब उसका जो पराक्रम था वो हमने तो देखा ही है और स्वयं कृष्ण भगवान जब उसका साथ देते हैं, सत्य का पहला रूपी सत्य मतलब भगवान और सत्य का पहला रूपी जब भगवान है तो भगवान खुद जिसके साथ खड़े होते हैं उसको हम कैसे गलत बोल सकते हैं। सॉरी, तो मैंने कभी नहीं कहा कि अर्जुन गलत थे फ्रेंड्स। और अर्जुन का पराक्रम हमने मतलब देखा ही है और ये बात भी मैं बोलना चाहूँगी कि कभी वो उसने नहीं बोला
कि मैं इससे श्रेष्ठ हूँ, मैं उससे श्रेष्ठ हूँ, यह कभी कर्ण के मुँह से हम अर्जुन के मुँह से हम जो देखते हैं। और हम एक बात ये भी बोले कि हम कौन, अर्जुन उसको हम जानते हैं कि हमने इतने शास्त्र तो पढ़े नहीं है, हम लोग टीवी सीरियल में देखते हैं और देख के हमें एक इमेजिन कर लेते हैं कि इस छवि में ये हो गए और इस छवि में वो नहीं हो गए, तो हम इस हिसाब से बोलते हैं। बल्कि ये जो महाभारत का तो मैंने पढ़ा भी है फ्रेंड्स, तो उसमें अर्जुन थे श्रेष्ठ थे वो, और जब जब कृष्ण भगवान उसके साथ ही खड़े हैं तो फिर वो सर्वश्रेष्ठ, फिर वो उसको बोलना गलत नहीं होगा, वो सर्वश्रेष्ठ थे फ्रेंड्स। और एक बात ये भी है कि शुरू से वो इसमें ही बोला गया कि शुरू से उसके जो मुंह में चांदी की चम्मच होनी चाहिए, उसका जहाँ जहाँ अधिकार था वो हमेशा पांडवों का मारा गया था फ्रेंड्स। तो उस वो बेसिकली वो जो उसका अधिकार जिसने मारा था और उसका हक जिसने नहीं दिया था वो थे कौरव, और कौरव को कौरव के पलड़े में बैठे थे कर्ण फ्रेंड। तो मैं एक बार और बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे अर्जुन, और बार बार मैं एक ही बात बोलूँगी फ्रेंड्स। और इसमें बोला कि कृष्ण भगवान तो थे ही, फिर उसने रावण को भी हराया था, और जो कर्ण के ये गुरुदेव जो थे परशुराम भगवान, परशुराम जी, वो कर्ण अर्जुन की कोई कोई सभा में आके बहुत तारीफ किए थे, मतलब उसके गुणगान गाए थे, और स्वयं शंकर भगवान भोले बाबा भी अर्जुन के गुणगान गाते थे फ्रेंड्स। तो वो उसको हम गलत कैसे बोल सकते हैं, न हमारी इतनी बुद्धि है न मेरी इतनी ताकत है फ्रेंड्स कि मैं अर्जुन को गलत बोलूं, कभी नहीं फ्रेंड्स। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे फ्रेंड्स, जिस भगवान का नाम लेने से हमारा दिन बन जाता है फ्रेंड्स, वो स्वयं भगवान, उसको सखा बोलते थे यानी उसको मित्र बोलते थे फ्रेंड। तो फिर भगवान के मित्र कैसे गलत हो सकते हैं फ्रेंड्स, तो वो तो सही थे फ्रेंड्स। और मैंने ये भी बोला है कि कर्ण की जो खूबियां है उसको हम फॉलो करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि कर्ण के बारे में भी एक बात बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स, वो जितने बड़े दानवीर थे आज के जगत में, आज की दुनिया में ये मिलना नामुमकिन बात है फ्रेंड्स। दूसरी बात ये है कि जो उनके साथ जो मतलब अन्यायी हुआ था वो उसका जन्म से जुड़ा था, वो जैसे आपकी गलती के कारण अगर आपके साथ कुछ अन्याय होता है तो हम माने कि आपके साथ वो जो चीज़ है वो सही हुई है। अगर जो चीज़ आपके साथ जन्म से, जैसे उसकी जात पात तो उसकी जन्म से जुड़ी थी, तो उसके चलते उसके साथ जो अन्याय होते थे तो वो उसके कारण में ये मतलब बोला है कि अन्याय होते भी वो श्रेष्ठ बने फ्रेंड्स। धनुर्विद्या भी उसको मतलब जैसे मिलनी चाहिए वैसे नहीं मिली, उसने परशुराम भगवान से ब्राह्मण का रूप लेके ली थी, तो वो सब चीज़ें देख के बोल रहे हैं कि उसकी जैसे लाइफ थी वो दुख भरी थी, फिर भी वो श्रेष्ठ बने और उसने युद्ध लड़ा फ्रेंड, और सामने अर्जुन के साथ कृष्ण भगवान खड़े थे। तो इसलिए हम बोलते हैं फ्रेंड्स कि जो कर्ण की जो खूबियां है उसको हम फॉलो करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन कर्ण की हम खूबियां फॉलो करते हैं फ्रेंड्स, और अर्जुन के जो मित्र है हमारे कृष्ण भगवान उसको हम पूजते हैं फ्रेंड्स। तो फ़र्क आप खुद ही मतलब देख लीजिए। तो ये वीडियो बहुत बहुत अच्छी थी, अर्जुन की पॉइंट्री बहुत अच्छी थी फ्रेंड, और सजेशन भेजने के लिए ह्यूमन फैक्ट्स को बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। और आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो आप कमेंट्स कर सकते हो फ्रेंड्स, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी फ्रेंड। ओरिजिनल वीडियो को देखो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, मेरा चैनल देखो सब्सक्राइब करो, और अब मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।